हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अदितीज किचन में। तो आज हम यूपी स्टाइल में अरबी के पत्ते के पकोड़े बनाएंगे। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 500 ग्राम चने की दाल ली थी जो मैंने रात में भिगो दी थी। अब हम इसको पीस लेंगे। मैं इसको सिलबट्टे पे पीस रही हूँ, आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। आप देख लीजिए, इस तरीके का पेस्ट बनना चाहिए। ना बहुत पतला होना चाहिए ना भी बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए। अब हमने पत्ते लिए हैं, इसको अच्छे तरीके से धुल लेंगे। मैंने बहुत ही मुलायम पत्ते का यूज़ किया है। इसको हम खोल खोल के अच्छे से साफ़ करेंगे। पिसी हुई दाल में हम आधा चम्मच हल्दी मिलाएंगे, एक चम्मच नमक मिलाएंगे और आधा चम्मच लाल मिर्च और 1/4 स्पून जो है ना हम हींग मिलाएंगे, आमचूर डालेंगे और ये लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट मिलाएंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से पत्तों को फैला के इसमें पेस्ट को इस तरीके से फैलाएंगे। जब भी पत्तों में हम दाल को इस तरीके से फैलाएंगे तो जो सबसे बड़ा पत्ता हो उसको सबसे पहले हम फैलाएंगे, उसके बाद में फिर सब छोटे छोटे पत्ते इस तरीके से उस पर रख के दाल को लपेटते जाएंगे ताकि ये हमारा रोल अच्छे से बन पाए। ये देखिए किस तरीके से हम छोटे से छोटा पत्ता इसमें लगा के और इसमें दाल फैला रहे हैं। इसी तरीके से सारे पत्तों का रोल हम बना लेंगे। रोल को बनाने के लिए इस तरीके से दोनों साइड से हम मोड़ देंगे और उसमें भी थोड़ी थोड़ी दाल हम लगा लेंगे ताकि जो है ना ये अच्छे से चिपक जाए। और रोल को हम इस तरीके से मोड़ेंगे ताकि हमें अंदर से गैपिंग ना हो और ये टाइट तरीके से रोल बन जाए। ये देखिए, इस तरीके से हमने रोल बना लिए हैं। अब इसको हम एक पतीले में पानी रख के स्टीम करेंगे और इसको चारों तरफ से ढक देंगे ताकि ये चारों तरफ से स्टीम लग जाए। इसको हम करीब 20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे और ये देखिए स्टीम हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडे होने के बाद इसको पतले 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 स्लाइसेस में काट के इसको डीप फ्राई करेंगे। देखिए, मैंने गरम तेल में इसको डीप फ्राई होने के लिए डाल दिया है। देखिए कितने अच्छे से ये डीप फ्राई हो रहे हैं। इसको बीच बीच में ऐसे चलाते जाएंगे ताकि ये दोनों तरफ जो है ना अच्छे से पक जाए। ये देखिए, मैंने इसको दूसरी तरफ भी पलट के पका लिए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से डीप फ्राई हो चुके हैं, कितना अच्छा कलर आया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने इसको टिश्यू पेपर पे निकाला है ताकि एक्स्ट्रा तेल जो है ना उसको सोख ले। ये देखिए कितने अच्छे से डीप फ्राई हुए हैं और बहुत ही क्रंची पकौड़े बने हैं। अब इसे हम सॉस के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।